साबुदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है। इसमें हम 1 कप साबुदाना लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसे हम 2 से 3 बार अच्छी तरह से इस तरह से वॉश कर लेंगे। अब इसमें पानी हम डालेंगे 3/4 कप। 1 कप साबुदाना में हम पानी डालेंगे 3/4 कप। साबुदाना खिचड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है कि आप साबुदाना को किस तरह से सॉक करते हैं। मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ मेजरमेंट, उस तरह से साबुदाना को सॉक करें, आपकी खिचड़ी है जो खिली खिली और चिपचिपी नहीं बनेगी। इसे हम ओवरनाइट सॉक करने देते हैं। 8 घंटे हो गया है मैंने ओवरनाइट इसे सॉक किया था। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी अलग अलग है, कितनी खिली खिली लग रही है और साइज में भी बिल्कुल डबल हो गया है। आप इस तरह से देख सकते हैं इसे पूरी तरह से ये अंदर तक सॉक कर लिया है। आप देखते हैं बिल्कुल भी बीच में जो है वाइट वाइट नहीं रहा है। कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। अब ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मूंगफली के दाने और इसे हम फ्राई करेंगे। आप सभी व्यूअर्स के रिकमेंडेशन पे मैं साबुदाना खिचड़ी लेकर आई हूँ आज। मूंगफली के दाने फ्राई हो गए, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसमें फ्राई कर लेंगे कुछ पनीर के पीसेस को मैंने लिया है छोटे छोटे टुकड़े में। पनीर के पीसेस भी फ्राई हो गए, इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। पनीर बिल्कुल भी ऑप्शनल है। अब हम इसी तेल में डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा। हाफ इंच ग्रेटेड अदरक, 1 हरी मिर्च चॉप्ड, 10 से 12 कड़ी पत्ता, 1 कच्चा आलू का यूज कर रहे हैं तो आप इसे स्टेज पे डाल दें और इसे लो फ्लेम पर इसे फ्राई करके इसे पका लें। अब मैं आज यूज कर रही हूँ बॉयल आलू, इसमें कट कर लिया है। बॉयल आलू डालने से जल्दी ही खिचड़ी बन जाती है। आलू फ्राई हो गया है, अब इसे स्टेज पे डाल देंगे हम साबुदाना। ये 1 टेबल स्पून मूंगफली दरदरा पिसा हुआ, इसे मैंने फ्राई करके छिलके से मैंने पीस लिया है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट, अब मैं नॉर्मल सॉल्ट यूज कर रही हूँ। आप अगर बर्थ के लिए यूज कर रहे हैं तो आप संधा नमक यूज करें। 3/4 टीस्पून चीनी शुगर, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ऐसे 1 से 2 मिनट में सबको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। साबुदाना खिचड़ी व्रत के लिए भी बनाते हैं और स्नैक्स के रूप में भी खाते हैं। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो जो व्रत में आप नहीं खाना पसंद करते हैं उसके मत डालिए। मूंगफली फ्राई किया हुआ, फ्राई पनीर, इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसे हम लो फ्लेम पे कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे। दो मिनट हो गया, इसे हम कवर हटाते हैं और इसे हम बस चला लेते हैं।
ये हमारा साबुदाना ट्रांसपेरेंट हो गया है। ट्रांसपेरेंट होने तक इसे हम पकाना है हमें। इसमें हम डाल देंगे आप कटा हुआ नींबू, चॉप धनिया पत्ता और इसे हम अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं। हमारी खिली खिली साबुदाना की खिचड़ी बन के रेडी हो गया है। जिस तरह से मैं आपको बताई हूँ उसी तरह से आप बनाए साबुदाना खिचड़ी।